सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हुसैन एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बुक्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीएलसी में कौन ऐसे शॉकिंग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो तीन ऐसे शॉकिंग चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला शॉकिंग चीज़ है ऑस्कर का चैम्पियन बनना। तो ये तो सभी जानते हैं कि बेकी लिंच कुछ दिनों पहले इंजर्ड हो गई थी, जिसके चलते उन्हें टीएलसी में उनके अपोनेंट को बढ़ाना पड़ा, ऑस्कर भी शामिल करना पड़ा ऑस्कर को भी। तो अगर उनकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो शायद ऑस्कर बन सकती है चैम्पियन, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर का तो कोई चांस ही नहीं है। जितने भी रेसलिंग फैंस हैं वो नहीं चाहते कि शार्लेट फ्लेयर चैम्पियन बने। तो अगर बेकी लिंच की इंजरी ठीक है तब तो वही चैम्पियन बन सकती हैं, बट अगर बेकी लिंच की इंजरी ठीक नहीं है तो हमें टीएलसी में न्यू चैम्पियन देखने को मिल सकता है, जो कि ऑस्कर होने वाली हैं। तो दूसरी अपडेट की ओर बढ़ते हैं, ब्रे वाइट का रिटर्न इन टीएलसी। तो ब्रोन स्ट्रोमैन की इंजरी हो चुकी थी रॉ में, जो कि बैरन कॉर्बिन और उनके साथी ने किया था। तब से ब्रोन स्ट्रोमैन दिखे तो नहीं हैं और कयास लगा जा रहा है कि वो टीएलसी में नहीं आ पाएंगे। तो उनकी जगह पर अगर ब्रोन स्ट्रोमैन ठीक नहीं है तो उनकी जगह पर ब्रे वाइट रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना रिटर्न कर चुके हैं एक लाइव इवेंट के दौरान, जिसमें कि उन्होंने बैरन कॉर्बिन को हरा दिया था। तो लग रहा है रूमर्स यही कि ब्रे वाइट अपना रिटर्न कर सकते हैं इन TLC, अगर ब्रोन स्ट्रोमैन फिट नहीं हो तो। तो अगला और सबसे शॉकिंग चीज़ हमें ये देखने को मिल सकता है कि TLC में बन जाए डीन एम्ब्रोज न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। तो रॉलिंस कब से यूनिवर्सल चैम्पियन के रेस में नहीं है, बहुत 2 साल शायद हो गया है, और लग रहा है कि अब वो उन्हें यूनिवर्सल चैम्पियन के रेस में डाला जाएगा, क्योंकि वो कुछ रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर को निशाना साध रहे हैं, उन पर बोल रहे हैं। तो लग रहा है ऐसा कि डीन एम्ब्रोज को न्यू चैम्पियन बना दिया जाएगा, क्योंकि वो हील के तौर पर अभी बहुत बड़े हील हैं रॉ के, और WWE उन्हें अच्छा पुश दे रही है, तो उनका मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहेगी WWE, क्योंकि उन्हें रोमन रेंस के भी स्टोरी लाइन में शामिल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोज शायद ये अगर चैम्पियन बन जाए तो बहुत ही शॉकिंग होगा। तो यही 3 शॉकिंग चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।